हेलो फ्रेंड, आपका न्यू वर्क सिलाई बुनाई में स्वागत है। फ्रेंड, हम इस वीडियो में बताएंगे अगर आपका सिलाई मशीन का सुई सलाख, देखिए फ्रेंड ऐसे थोड़ा थोड़ा प्ले है तो इसको किस तरह सही करेंगे। फ्रेंड एक और जानकारी देंगे, एक ऐसा मशीन का पेच है फ्रेंड, उसको टाइट करने से सारा मशीन जाम हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, हम इस वीडियो में दो जानकारी देंगे। पहला जानकारी तो ये है, देखिए फ्रेंड इसको हम कैसे सही करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसका जहाँ से पेच होगा वहीं से टाइट करना पड़ता है। तो पहले देखिए फ्रेंड, हम यहाँ से खोलेंगे और आपको दिखा दे रहे हैं इसका पेच कहाँ है, जहाँ से हम टाइट करेंगे कि ये सही हो जाएगा। फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड, आपको इधर से दिखाना चाहेंगे। देखिए फ्रेंड, आपको पास से दिखा रहे हैं। देखिए फ्रेंड, इसका जो सुई सलाख में प्ले है फ्रेंड, इसका देखिए यहीं से प्ले है, देखिए यहीं से हिल रहा है। इसके वजह से फ्रेंड हिल रहा है, तो इसको हम कैसे सही करेंगे। देखिए फ्रेंड, इसको टाइट करने के लिए आपको यहाँ एक पेच दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड, छोटा सा पेच है यहाँ पर। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर पेच है, इसी को थोड़ा सा टाइट करना है। देखिए फ्रेंड, इसको टाइट करेंगे तो ये सही हो जाएगा। देखिए इसको टाइट करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसको हम टाइट करेंगे, छोटा पेचकस से आसानी से टाइट हो जाता है। देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा टाइट किए तो देखिए फ्रेंड थोड़ा सा कम हुआ है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा और टाइट कर दिए तो बिल्कुल नहीं हिल रहा है। देखिए फ्रेंड, बिल्कुल नहीं हिल रहा है, इसमें बिल्कुल प्ले नहीं है फ्रेंड, ख़त्म हो गया। और देखिए फ्रेंड, यही एक पेच है कि इसको ज़्यादा टाइट आपको नहीं करना है, नॉर्मल रखना है। देखिए फ्रेंड, हम ज़्यादा टाइट करेंगे तो पूरा मशीन जाम हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, इसी को बारे में हम बता रहे थे उस समय। देखिए इसको थोड़ा सा और टाइट कर रहे हैं और आपको चला के दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा टाइट किए और देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ पर चक्का के पास ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड, पूरा जाम हो गया है, बिल्कुल भारी सा चल रहा है फ्रेंड। तो इसको जब भी आपको सुई सलाख का सेटिंग करना है और इसको जब प्ले होगा तो टाइट करना है नट को, तो थोड़ा सा नॉर्मल रखना है फ्रेंड, ज़्यादा नहीं इसको टाइट रखेंगे। देखिए फ्रेंड, इसको ज़्यादा टाइट भी नहीं करेंगे और ज़्यादा लूज भी नहीं रहेगा। देखिए फ्रेंड, नॉर्मल रहेगा, इतना रहेगा कि कम से कम ये भी हिलना भी नहीं चाहिए और मशीन भी अच्छा से चलना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा और हम इसको हल्का सा टाइट कर दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड, अब ये सही है, अब नहीं हिल रहा है फ्रेंड, अब ये सही हो गया। देखिए फ्रेंड, अब इसको हम लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड, इसको लगा लिए और उसके बाद देखिए फ्रेंड, हम नॉर्मल टाइट किए हैं नट को, तो देखिए पूरा मशीन फ्रेंड चल रहा है आसानी से। फ्रेंड आप रिपेयरिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल खोल के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में रिपेयरिंग का वीडियो हम बना के डाल दिए हैं फ्रेंड। आप लोग का बहुत हेल्प मिलेगा, जो भी प्रॉब्लम होगा मशीन का तो आप वहाँ से देख के सही कर सकते हैं। फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।